नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज देखिए, मैं आपके लिए रीट भर्ती परीक्षा का जो टॉपिक है वो लेकर के आया हूँ। अपन रीट भर्ती परीक्षा की अब पूरी टॉपिक है वो आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। जो भाषा आती है आपके 30 नंबर की 15 क्वेश्चन आते हैं भर्ती परीक्षा में, जो सेंस करते हैं हिंदी है इंग्लिश है, जितनी भी जो भाषाएं उनके 15 क्वेश्चन आते हैं, जो दो भाषाएं चुनी जाती हैं, तो उसमें अपना आज संस्कृत जो भाषा है उसका मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो 3 नंबर का टॉपिक है आपके लिए। तो टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तनम। तो आज आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके 3 नंबर है वो पक्के हो जाएं और आपके सारे क्वेश्चन है वो सही हो जाएं। तो तीनों क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो टॉपिक के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हो सके। और मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ वीडियो उपलब्ध करवाएं, उसकी हालांकि क्वालिटी कम है लेकिन वो भी आप जरूर देखिए ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। तो अपन आज चलते हैं, देखो वाच्य परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो देखो आज का अपना टॉपिक हो गया वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाच्य। वाच्य किसको कहते हैं कि जो भी भाषा है, जो भी हम कहने का जो अपना ढंग है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा गया, जो अपने बोलने का ढंग है, कहने का जो ढंग है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और वाच्य परिवर्तनम जो आपके लिए भर्ती परीक्षा में लगता है वाच्य परिवर्तनम, वो केवल लट लकार में परिवर्तन है, जो 3 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के होते हैं, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया वाच्य किसे कहते हैं कि वाक्य के जो कहने का ढंग है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब वाच्य की बात करते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 3 प्रकार हैं वाच्य के। सबसे पहला है कर्तृवाच्य, कौन सा है, कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, दूसरा कौन सा है, कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य, तीसरा कौन सा हो गया, भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब अपन तीनों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से तीनों में आपको परिवर्तन करना है, क्या इसकी पहचान है। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कर्तृवाच्य की। देखो जो भी वाक्य है उसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है कर्ता, एक क्या होता है, कर्ता होता है, एक होता है कर्म और एक होता है क्रिया। एक क्या होता है, क्रिया होता है। तो वाक्य में 3 होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसकी क्या पहचानते हैं, वो सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वो कौन सी विभक्ति में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। कौन सी विभक्ति में होता है, प्रथमा में होता है, आपको ध्यान में रखना है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो कौन से में होता है, तृतीय विभक्ति में होता है। कौन से में होता है, तृतीय विभक्ति में होता है, ठीक है। और सॉरी अपन बात करते हैं कर्म की, जो कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता कौन से में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। और कर्म किस में होता है, द्वितीय में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से में होता है, द्वितीय विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में होता है, द्वितीय विभक्ति में। और क्रिया, क्रिया किसके अनुसार लगती है, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार लगती है, कर्ता के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार लगती है, कर्ता के अनुसार। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहली बात है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में हो गया, प्रथमा में। कर्म किस में हो गया, द्वितीय विभक्ति में हो गया। और क्रिया, क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना। देखो अपन कर्तृवाच्य, कर्तृ का मतलब कर्ता, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, ये ध्यान रखना आपको, कर्ता के अनुसार क्रिया लगनी। जो भी अपन कोई वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य के अंदर कर्ता के अनुसार आपको क्रिया लगानी है, ये आपको ध्यान रखना, मुख्य बात ये, कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी। अब अपन बात कर लेते हैं देखो कर्मवाच्य की, इसकी बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य में देखो कर्ता, कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है, तृतीया में। इसमें होता है तृतीय विभक्ति में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रथमा में, और इसमें इसमें होता है तृतीय विभक्ति में। और कर्म, कर्म किस में होता है, प्रथमा में। कर्म ध्यान में रखना है, प्रथमा में। और क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार लगानी, कर्म के अनुसार लगानी, अनुसार।
ये किसकी कर्मवाच्य की पहचान है, जो कर्ता किस में हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, और कर्म किस में हो जाएगा, प्रथमा में, और क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार लगेगी, ये ध्यान रखना। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगानी। अब बात करते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में देखो कर्ता किस में होता है, तृतीय में होता है। भाववाच्य में किस में होता है, तृतीय में होता है, और इसमें कर्म होता नहीं है, कर्म होता नहीं है, और क्रिया क्रिया किसके अनुसार लगेगी, क्रिया लगेगी प्रथमा एकवचन में, प्रथमा एकवचन आत्मनेपदी, आत्मनेपदी की, इसमें भी आत्मनेपदी की लगेगी, आत्मनेपदी, लेकिन इसमें कर्म के अनुसार लगेगी, और इसमें किसकी क्रिया लगेगी, परस्मैपदी, परस्मैपदी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो क्रिया लगेगी वो परस्मैपदी, इसमें आत्मनेपदी, और इसमें भी आत्मनेपदी की क्रिया लगेगी, लेकिन इसमें प्रथमा एकवचन की लगेगी। ये आपकी पहचान है, छोटा सा टॉपिक है, 3 नंबर का टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, देखो जल्दी जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीय में होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। शायद आपके समझ में आ गया, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीय में, और कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य में तृतीय में कर्म प्रथमा में होगा और कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, क्रिया कौन सी होगी, आत्मपदी में। और भाववाच्य में, भाववाच्य में कर्ता किस में होगा, तृतीय में होगा, कर्म इसमें होता नहीं है, सीधी सी पहचान है, कर्म होता नहीं है, और क्रिया किसके अनुसार लगेगी, प्रथमा एकवचन में, आत्मपदी में। अभी आपको यहाँ देखो मैंने पहले ही लिख दिया है, कुछ धातुएं लिखी हैं जो सिंपल धातुएं, देखो पट धातु पश्चिमपदी, पश्चिमपदी में जो रूप चलते हैं, पढ़ती पढ़ते पढ़ंती पढ़सी पढ़ पटाम पटा पटाम, जो आप रात दिन पढ़ते हैं, इसके संस्कृत रही हो तो आसानी से जानते हैं, जिसके नहीं रही हुई है, जो भाषा ले रहे हैं संस्कृत, उसके थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको ये रूप याद करने पड़ेंगे सबसे पहले, और रूप याद करते ही आपको आसानी हो जाएगी। एक तो आप लट लगा के ये रूप याद कर लीजिए, जिसके संस्कृत नहीं रही हुई है, तो ये पश्चिमपदी के, जैसे पढ़ती पढ़ते पढ़ंती, गम धातु के गस्ती गस्त गचंती, लिख धातु के लिखती लिखता लिखंती, और ये कौन से, आत्मनेपदी, ये आत्मनेपदी के, ये आत्मनेपदी के हैं, ये आत्मनेपदी के हैं, ठीक है, आत्मनेपदी के हैं। तो ये पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्यते पठ्यदवे पठ्ये पठ्यावे पठ्यामि, इसमें ये आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये लगेगा सभी में, ये देखते आपको पहचान हो जाएगी, ये देखते, ठीक है, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, ये आपको याद करना है, ठीक है। और आपको शब्द रूप याद करने, शब्द रूप जिसके संस्कृत नहीं रही हुई है उसके अगर ज्यादा याद नहीं होती तो तृतीय विभक्ति का याद कर लीजिए, जैसे राम शब्द की प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति, रामो रामो रामाय रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामय, इस प्रकार से 3 विभक्तियां याद कर लीजिए, अकारांत इकारांत उकारांत त्रिकारांत, ये जो शब्द रूप है उनके शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपकी समझ में आ जाएगा। समझ में तो आपको वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अब अपन देखो बात कर लेते हैं, अब आपको ये ध्यान रखना, देखो 3 हो गए, एक मैंने आपको बताया कर्तृवाच्य, एक हो गया कर्मवाच्य, और एक कौन सा हो गया भाववाच्य, भाववाच्य, 3 वाच्य हो गए। अब परिवर्तन आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कर सकते हैं, दोनों का आपस में परिवर्तन होगा, ठीक है, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में। दूसरी बात, कर्तृवाच्य को हम किस में कर सकते हैं, भाववाच्य में, और भाववाच्य को किस में कर सकते हैं, कर्तृवाच्य में, ठीक है। कर्मवाच्य को हम भाववाच्य में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्तृवाच्य को हम दोनों में कर सकते हैं, कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी, ठीक है। और कर्मवाच्य को हम केवल किस में परिवर्तन करेंगे, कर्तृवाच्य में, और भाववाच्य को हम किस में परिवर्तन करेंगे, कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना, सही समझ में आ गया, कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, तो ये ध्यान में रखना है। जब कर्म हो, जब कर्म दिया हुआ ना, तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, ठीक है। अब जब कर्म नहीं हो, तब हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। अब अपन उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अपन परिवर्तन करेंगे।
देखो एक वाक्य छोटा सा मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ, तब आपके समझ में आ जाएगा। ये देखो छोटा सा उदाहरण है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया रामायण पाठम पढ़ती, सिंपल सा वाक्य रामायण पाठम पढ़ती। अब आपको सबसे पहले देखो एग्जाम में पहचान करनी है कि ये कौन से वाच्य का है, कि कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का वाक्य, वाक्य कौन से वाच्य का, ये आपको सबसे पहले पहचान करनी है, तभी आपके समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर आपने देखा रामायण पाठम पढ़ती, आपके अगर रूप याद है तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप रामायण, रामायण शब्द कौन से में, देखो प्रथमा एक वचन का है, किसमें, प्रथमा एक वचन में। पाठम, पाठम देखो किसमें आ जाएगा, द्वितीय में, ठीक है। और तो यहां पर देखिए आप कर्तृवाच्य में प्रथमा में मिलेगा आपको, ये कर्ता कौन से में, प्रथमा में है। ये कर्म है, ये कर्म किस में दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति में दिया हुआ है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया यहां पर लगी हुई है पढ़ती, या आप सीधा सा याद रखिए जब पश्चिम पदी में क्रिया दी हो, पश्चिम पदी में जैसे ये सिंपल रूप है पढ़ती पढ़ते पठंती, गश्ती गश्ता गजंती, लिखती लिखते लिखंती, वदती वदते वदंती, चलती चलते चलंती, इस प्रकार के अगर रूप दिए हुए हो, क्रिया यहाँ पर दी हो, तो वो वाक्य कौन से वाच्य में हो जाएगा, कर्तृवाच्य में हो जाएगा। ये आपको याद रखना, सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम पदी की क्रिया है, तो वाक्य कौन से में हो गया, कर्तृवाच्य में हो गया। अगर यही वाक्य यहाँ कर्म नहीं दिया हो, सीधा दिया हो रामायण पढ़ती, तो भी कौन से में हो जाएगा, कर्तृवाच्य में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कर्ता इसमें प्रथमा में आएगा, कर्म द्वितीय में, और कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगी हुई है। देखो रामायण प्रथमा एक वचन है, तो प्रथमा एक वचन की अपन क्रिया लगाएंगे कौन सी, पढ़ती लगा देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन देखो ये कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया, ये कर्तृवाच्य का वाक्य। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये चेंज किस में होगा। मैंने आपको बताया कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में भी चेंज होता है, और कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में भी चेंज करते हैं, लेकिन ये वाक्य अब किस में चेंज होगा, ये आपको पता करना है। तो अब आपको ये पता लग गया कि ये वाक्य किसका है, कर्तृवाच्य का है। अब अपन इसको चेंज किस में करेंगे, कर्म में करेंगे या भाव में करेंगे। तो आप यहां पर देख लो कि कर्म अगर दिया हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा, कर्मवाच्य में। और अगर कर्म नहीं दिया हुआ है, सीधा वाक्य अगर रामायण पढ़ती, तो किस में चेंज करेंगे, भाववाच्य में चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात सुनिए, रामायण पाठम पढ़ती प्रथमा में है, ये द्वितीय में है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, कर्तृवाच्य का वाक्य, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कर्मवाच्य में। अगर ये कर्म नहीं दिया हो, सीधा ही वाक्य हो रामायण पढ़ती, तो किस में चेंज होगा, भाववाच्य में हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको, अब ये चेंज किस में करेंगे, कर्मवाच्य में। किस में चेंज कर देंगे, कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। अब चेंज करना है आपको, तो चेंज कैसे करेंगे, देखो कर्तृवाच्य में आपके याद है कर्ता प्रथमा में, और कर्मवाच्य में कर्ता किस में होगा, तृतीय में। तो अपन इसको प्रथमा से किस में कर देंगे, तृतीय में कर देंगे, कर्ता को किस में करेंगे, तृतीय में करेंगे। और कर्म को हम किस में करेंगे, कर्मवाच्य में, प्रथमा में कर देंगे, किस में कर देंगे, प्रथमा में। और क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार क्रिया लगानी है। यह आपको ध्यान रखना है कि वाक्य हम किसका बना रहे हैं, कर्तृवाच्य का बना रहे हैं या कर्मवाच्य का। अब हम यहाँ पर वाक्य किसका बना रहे हैं, कर्मवाच्य का, तो आपको ध्यान रखना है कर्म के अनुसार क्रिया लगानी है। अब यहाँ पर देखिए राम, राम प्रथमा में है, तो अब इसकी हम किस में बनाएंगे, तृतीय में बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, देखो राम है प्रथमा एक वचन है, तो इसको हम किस में कर देंगे, तृतीय एक वचन में। अगर द्विवचन में हो तो तृतीय द्विवचन में कर देंगे, और अगर बहुवचन में हो तो तृतीय बहुवचन में करना है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक वचन द्विवचन या बहुवचन कोई से में भी हो, उसी के अनुसार अपन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर रामायण दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रामायण कर देंगे। तो यहाँ पर आप बना दो रामायण, रामायण क्या बना दिया, रामायण। प्रथमा किस में चेंज कर दिया, तृतीय में कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो पाठम दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, पाठम द्वितीय में है, और द्वितीय को यहाँ किस में कर देंगे, कर्मवाच्य बना रहे हैं, तो प्रथमा में कर देंगे। तो प्रथमा में करेंगे
तो इसे यहाँ रामम दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रामाय रामाय। उसी प्रकार ये क्या कर देंगे, पाठ्य कर देंगे, पाठ्य। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग के रूप है, उसी के अनुसार इसको चेंज करना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पाठ्य कर दिया, ये तृतीया में कर दिया, यहाँ पर प्रथमा में कर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपन कर्मवाच्य बना रहे हैं तो कर्म के अनुसार क्रिया लगानी है। कैसे लगानी है, जैसे पाठ है तो ये किस में, प्रथमा एक वचन में, तो अपन प्रथमा एक वचन की क्रिया लगाएंगे। और प्रथमा एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो कौन सी लगाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आत्मनेपदी ये लगाएंगे, ठीक है। अगर आप कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो इस प्रकार से रूप लगाना है, और कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने तो इन रूपों में से आपके लगाना है, आत्मनेपदी जो रूप है ये जिसमें आता है, ठीक है। जैसे पठियते पठियते पठियंते, ये आपको याद करना है, सभी कैसे चलेंगे, गम धातु गमियते, लिख धातु लिखियते, खा धातु खादियंते खादियते, तो इस प्रकार से ये रूप आपको याद करना है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, पठियते, क्या लगा देंगे, पठियते पठियते लगा दिया। प्रथमा एक वचन में है, यहाँ पर कर्म, कर्म देखना आपको, कर्मवाच्य बना रहे तो कर्म देखना है कि ये कौन से वचन में है और कौन से पुरुष में, ठीक है, कौन से पुरुष में और कौन से वचन में, ठीक है, उसी प्रकार से आपको लगाना है। जैसे यहाँ प्रथम पुरुष में है, ठीक है, प्रथम पुरुष में है तो एक वचन है तो पठियते लगाएंगे, अगर द्विवचन में है तो पठियते, और बहुवचन में तो पठियंते। यहाँ पर आपको देखना है मध्यम पुरुष में है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष वाले लगाने हैं, और उत्तम पुरुष में है तो उत्तम पुरुष वाले लगाने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से पुरुष में और कौन से वचन में, तो ये पठियते हो जाएगा। अब देखो एक कर्मवाच्य, इसी एक वाक्य पर मैं आपको समझा दूंगा पूरा। जैसे ये आ गया वाक्य, ये आ गया रामेण पाठय पठियते, ये आ गया, तो ये सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कौन से वाच्य में, यहाँ पर दिया हुआ नहीं होगा कि कौन सा वाच्य है, जैसे मैंने तो यहाँ पर लिख दिया कर्मवाच्य, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं होगा। जैसे ये वाक्य आ गया, ये आ गया रामेण पाठय पठियते, अब आपको पता लगाना है कि वाक्य कौन से वाच्य में, तो आप सीधा से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये देख लो जिस रूप में ये आत्मनेपदी रूप आ रहे हैं, पठियते गमियते ये रूप आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा या तो कर्मवाच्य में होगा या बहुवाच्य में। देखो यहाँ पर कर्म आ रहा है, इसका मतलब कौन से में हो जाएगा, कर्मवाच्य में। अगर यहाँ पर कर्म नहीं हो तो कौन से वाच्य में हो जाएगा, भाववाच्य में। पूरी प्रक्रिया भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे रामेण, रामेण कौन से में, तृतीया में है, पाठ है किस में है, प्रथमा में है, ठीक है, और पठ्यते किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है, और कौन सा रूप है, आत्मनेपदी है। तो सीधा सा आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, अगर आपके ये रूप ऊपर वाले आए, सिंपल जो पश्चमेपदी है, तो आपका कर्तृवाच्य में होगा, और अगर ये रूप है तो आपके कर्मवाच्य या भाववाच्य में। तो कर्म अगर दिया हुआ है और ये आत्मनेपदी का रूप है तो कर्मवाच्य का वाक्य है, ठीक है, और अगर ये कर्म नहीं दिया हुआ है तो भाववाच्य का हो जाएगा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कौन से वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य सिर्फ आपका कर्तृवाच्य में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, कर्तृवाच्य में ही चेंज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन चेंज कर देते हैं, देखो यहाँ पर तृतीया है, देखो तृतीया है, इसको अगर कर्तृवाच्य बना रहे तो ये किस में हो जाएगा, प्रथमा में, इसमें हो जाएगा प्रथमा में हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ प्रथमा में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द्वितीया में, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है, कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया। अब आपको चेंज करना है, रामेण, रामेण का तृतीया में, उसका क्या बन जाएगा, प्रथमा में क्या हो जाएगा, रामाय रामाय, ठीक है। अब देखो पाठ है तो इसका तृतीया में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पाठम, क्या हो जाएगा, पाठम। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है कर्ता, कर्ता कौन से में, प्रथम पुरुष में, देखो जैसे सह है आगे विसर्ग है तो ये किस में, प्रथम पुरुष एक वचन में है। अगर आपके तवम विवाम योम आ जाए यहाँ पर तो आपका मध्यम पुरुष का लगाना है, और अहम अवाम वयम आ जाए तो कौन सा लगाना है, उत्तम पुरुष। जैसे अहम आ जाए तो क्या लगेगा, पठामी, अवाम आ जाए तो कौन क्या लगेगा, पठावय, और वयम आ जाए तो क्या लगेगा, पठाम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पढ़ती, क्या लग जाएगा, पढ़ती लग जाएगा, तो ये बन गया। तो ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये वाक्य आ गया, सिंपल सा वाक्य, राम है पढ़ती, राम है
पड़ती। एक मिनट, देखो ये इसी वाक्य पर मैं आपको तीनों बता देता हूं। जैसे आ गया राम में पढ़ती आ गया, अब आपको सबसे पहले पहचान करनी है कि कौन सा वाच्य है। तो कौन सा वाच्य हो गया, राम में पढ़ती। तो आप यहाँ सिंपल सा पता लगा सकते हैं, देखो पढ़ती पढ़ते पश्चिमी पदी का अगर रूप आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा कर्तृवाच्य है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए रामय, रामय किस में, प्रथमा में है, और राम के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगाई गई है पढ़ती। या सीधा सा पता लगा सकते हैं कि पढ़ती तो अपने सिंपल रूप है, पश्चिमी पदी रूप है जो आप रात दिन पढ़ते हैं, तो अगर ये रूप आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाच्य में हो जाएगा, कर्तृवाच्य में। अब कर्तृवाच्य है, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, अगर कर्म नहीं दिया हुआ है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, भाववाच्य में। तो ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य को हम किस में चेंज कर देंगे, भाववाच्य में। तो भाववाच्य में अगर हम चेंज करेंगे तो प्रथमा को किस में कर देंगे, तृतीया में। प्रथमा को किस में करेंगे, तृतीया में। तो यहाँ पर देखो राम है, राम को किस में कर देंगे, रामायण, रामायण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रामायण, ये रामायण बन गया। ठीक है, अब देखो रामायण बन गया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्रिया लगानी है। तो क्रिया आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी है, कौन सी, आत्मनेपदी की, आत्मनेपदी की लगानी है। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, भाववाच्य अगर बना रहे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी है, कोई चन से पठ्यते लगाना है यहाँ पर, पठ्यते। गम धातु तो गम्यते लगा जाएगा, खा धातु तो खा देते, व धातु तो वध्यते, इसी प्रकार से जो धातु है उसी के अनुसार लगेगी। प्रथमा एक वचन आत्मनेपदी की लगानी है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये भाववाच्य आ गया, रामायण पठ्यते ये वाक्य आ गया, तो आपको पता कैसे लगेगा, उसी तरह से पता लगेगा, कर्म तो है नहीं इसलिए कर्मवाच्य नहीं है। और यहाँ पर आप रूप देख लीजिए, पठ्यते दिया हुआ, आत्मनेपदी का यहाँ पर रूप दिया हुआ, इसका मतलब कौन सा है, भाववाच्य है। ठीक है, ये आपको ये तृतीय विभक्ति देख के पता लग जाएगा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, इसका मतलब कौन से में, भाववाच्य में, क्योंकि कर्म है नहीं तो भाववाच्य में तृतीय आ गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा शायद आपकी। अब देखो वापिस चेंज करेंगे तो तृतीया, यहाँ पर तृतीय है, उसको अगर कर्तृवाच्य बनाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्रथमा में। प्रथमा में करेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, राम है, क्या बन गया, राम है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है, तो कर्ता किस में, प्रथम पुरुष में है, प्रथमा में है, राम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पढ़ती, एक वचन में इसलिए पढ़ती। अगर द्विवचन में हो, जैसे यहाँ पर रामो दिया हो तो क्या हो जाएगा, पढ़ते, और रामा दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, पठंती। अगर आपके मध्यम पुरुष में आ रहा है, तवम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पढ़सी, युवाम आ रहा है तो पढ़ते, और युवम आ रहा है तो पढ़त। उसी प्रकार अहम आ रहा है तो पटामी, आवाम आ रहा है तो पठावय, और वहम आ रहा है तो पटामी। इस प्रकार से अपन चेंज कर देंगे, तो ये आपके चेंज हो गए। देखो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में चेंज करना है, एक फिर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में, और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में आपको चेंज करना, इतने आपके परिवर्तन है। अगर कर्म नहीं है, अगर कर्तृवाच्य में कर्म नहीं है तो भाववाच्य में, और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे। तो ये था आपका वाच्य परिवर्तन, बहुत ही सिंपल सा है, आपको रूप याद करने पड़ेंगे। अब देखो एक वाक्य और मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन कल इन्हीं के बहुत सारे जो वाक्य हैं वो अपन हल करेंगे, वाक्यों को हल करेंगे। आप इसको एक बार देखेंगे, और देखने के बाद में अपन कल इनके वाक्य हैं वो हल करेंगे, 10 या 15 वाक्य हल करेंगे, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया, अहम फलम, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, ये आ गया वाक्य। तो आपको समझना है कि कौन से वाच्य में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कर्ता देखना है, कर्ता अहम, अहम यहाँ पर कर्ता है, अहम का मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम यहाँ पर आपको देखना है। तो अहम जैसे युष्मद अस्मद के रूप चलते हैं, अहम अवाम वयम, इस प्रकार से रूप चलते हैं, सब रूप चलते हैं अस्मद शब्द के। तो यहाँ पर अहम, अहम का अपन इसमें बनाएंगे, ये प्रथमा में है अहम, ये यहाँ पर पुस्तम द्वितीया में है, और आपको सीधा सा पता लग जाएगा कि पठामी कौन सा है, पश्चिमी पदी है, पश्चिमी पदी और कर्म दिया हुआ, इसका मतलब कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। तो देखो यहाँ पर अहम के अनुसार
यहाँ पर पठामी आया है। अहम आप यहाँ पर देखेंगे, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और यहाँ पर क्या है पठामी, अहम के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगी हुई है। तो कर्तृवाच्य में यहाँ हमेशा आपको ध्यान रखना है कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, आपको ध्यान रखना है अहम यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पर पठामी लगा हुआ उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो कौन सा हो गया कर्तृवाच्य हो गया। अब आपको चेंज किस में करना है कर्मवाच्य में, क्योंकि यहाँ कर्म दिया हुआ इसलिए कर्मवाच्य में चेंज होगा। तो अहम को हम तृतीय विभक्ति में करेंगे, तो अहम जो अस्म शब्द के रूप है अहम की तृतीय क्या बन जाएगी मया, मया ठीक है। यहां पर ये द्वितीय दिया उसका प्रथमा में करेंगे, तो पुस्तक शब्द है वो क्या नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग से फल शब्द है फलम फले फलानी फलम फले फलानी दोनों में सेम ही चलते हैं प्रथमा और द्वितीय में, उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम ठीक है। अब इस कर्म के अनुसार क्रिया लगाएंगे, तो कर्म के अनुसार क्रिया लगाएंगे तो कर्म किस में है एकवचन में है प्रथमा एकवचन में है ठीक है, तो प्रथमा एकवचन में है तो यहां पर क्या लग जाएगा पठ्यते लग जाएगा, पठ्यते लग जाएगा, क्या लग जाएगा पठ्यते लग जाएगा। अब देखो वापिस अपन चेंज करेंगे, तो यहां पर आप देख लीजिए ये किस में कर्मवाच्य में है, इसमें ये कर्तृवाच्य में हो गया। अब जैसे ये वाक्य आ गया आपके, ये वाक्य आ गया मया पुस्तकम पठ्यते, तो आप चेंज करेंगे कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर तृतीया है यहाँ पर प्रथमा है और यहाँ पर पठ्यते, आप देख सकते हैं आत्मनेपदी की अगर लगी हुई है क्रिया तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्म दिया हुआ है तो कर्मवाच्य हो गया, कर्म नहीं दिया हुआ तो कौन सा हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तृतीया किस में कर देंगे प्रथमा में, अहम अहम कर दिया ठीक है। अब पुस्तकम का द्वितीय में भी क्या बन जाएगा पुस्तकम, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है ये भी आपको ध्यान में रखना है पुस्तकम। अब आपको यहाँ पर कर्तृवाच्य बना रहे हैं, तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी, तो कर्ता को यहाँ पर देखेंगे कौन से पुरुष में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पर क्या लग जाएगी पठामी, अगर आवाम हो तो पठावय, वयम हो तो पठामय, ये लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे पठामी, ये लगा दिया ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे कर्म नहीं हो आ जाए सीधे आ गया अहम पठामी, तो ये मतलब कर्तृवाच्य हो गया क्योंकि प्रश्नपदी की है, तो इसको किस में बनाएंगे भाववाच्य में, तो अहम का क्या हो जाएगा मया, और यहाँ पर किसकी प्रथम पुरुष एक वचन की लग जाएगी पठियते, पठियते ठीक है। ये इस प्रकार से करना, वापिस करेंगे तो मया का क्या कर देंगे अहम कर देंगे और अहम के अनुसार क्रिया लगाएंगे तो कौन सी हो जाएगी पटामी हो जाएगी उत्तम पुरुष एक हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपन चेंज करेंगे, और भी मैं आपको बता देता हूँ एक वाक्य अपन और हल कर देते हैं, देखो एक वाक्य और अपन हल कर लेते हैं, देखो ये वाक्य आ गए थे मया त्वं दर्शयसि, मया त्वं दर्शयसि ये वाक्य आ गया मया त्वं दर्शयसि, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप यहां पर देखिए कि कौन से वाच्य में हो गया, देखो यहां पर मया, मया अस्म शब्द का रूप है, अस्म की तृतीय विभक्ति है, कौन सी विभक्ति तृतीय एक वचन है ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये किस में है युष्म शब्द है, उसमें तवम युआम युम ठीक है, अगर अपन युष्म शब्द के रूप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया प्रथमा एक वचन हो गई, और यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर आत्मनेपदी दी हुई है, आत्मनेपदी देखते आपको पता लग जाएगा ये कौन से वाच्य हो गया कर्म वाच्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई तवम, तवम ये है मध्यम पुरुष में है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष की पठ्य से उसी प्रकार से क्या लगा हुआ है दृष्ट धातु है उसके दृश्य से लगा हुआ है, तो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगी हुई है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया कर्मवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य को हम किस में बनाएंगे कर्तृवाच्य में बनाएंगे, तो कर्तृवाच्य में बनाएंगे
तो यहां पर तृतीया को किस में कर देंगे, प्रथमा में, तो प्रथमा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अहम, क्या हो गया, अहम। अब देखो तवम है, तवम को हम किस में बनाएंगे, यहां पर द्वितीया में बना देंगे, तो द्वितीया में बनाएंगे, कर्तृवाच्य अगर बना रहे हैं तो कर्म किस में होगा, द्वितीया में होगा, तो द्वितीया में बनाएंगे तो तवम जो युष्म शब्द है उसका क्या बन जाएगा, त्वाम, क्या बन जाएगा, त्वाम, जैसे रामम बनता है उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, त्वाम बन गया। अब आपको ध्यान रखना है किसके अनुसार लगानी है, कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है। अब आपको कर्ता देखना है कि कौन से रूप में है, तो यहाँ पर आप देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में है, यहाँ पर आप देखिए अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आ रहा है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की कौन सी परस्मैपदि की क्रिया लगानी है, तो यहाँ पर पठामी दिया हुआ है, तो यहाँ पर दृश्य धातु का क्या बन जाएगा, पश्यामी, जैसे रूप चलते हैं पश्यति पश्यते पश्यन्ति, ठीक है, उसी प्रकार पश्यामी पश्याव पश्याम, तो यहाँ पर पश्यामी लगा दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाक्य आ गया, एक बार वापिस चेंज कर लेते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज कर लेते हैं, जैसे ये आ गया अहम, अहम किस में, प्रथमा में, अहम अवाम वयम, ठीक है, माम, उसी प्रकार से रूप चलता है अस्मद का, ये यहाँ पर द्वितीया में आ गया युष्म शब्द में, और ये कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, और कर्तृवाच्य मैंने आपको बार बार बता दिया कि ये परस्मैपदि की क्रिया आएगी, देखते आपको पता लग जाएगा, तो ये किस में चेंज होगा, कर्म दिया हो इसका मतलब कर्मवाच्य में चेंज होगा, तो अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, अहम का क्या बढ़ जाएगी, तृतीया मया, ठीक है। अब देखो तवाम, तवाम द्वितीया में, तो युष्मद, युष्मद के तवम युवाम युवम इस प्रकार से रूप सकते हैं प्रथमा में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, तवम। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कर्मवाच्य बना रहे तो इसके अनुसार क्रिया लगानी है, तो ये तवम, तवम कौन से में आ रहा है, देखो ये आ रहा है मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में आ रहा है तो यहाँ पर आत्मपदी की मध्यम पुरुष में, जैसे पट ये से बन रहा है उसी प्रकार दृश्य धातु का क्या बन जाएगा, दृश्य से, दृश्य से, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर युवाम हो तो दृश्यते, यहाँ पर अगर युवम हो तो ये पट्य दवे उसी प्रकार से दृश्य दवे आ जाएगा, तो ये आ गया आपके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कर्मवाच्य बना रहे तो कर्म के अनुसार क्रिया, और कर्तृवाच्य बना रहे तो कर्ता के अनुसार क्रिया। जैसे सिंपल सा आ गया, जैसे सीधा आ गया अहम पश्यामि, ये वाक्य आ गया, तो ये कर्तृवाच्य में, अब इसको किस में बनाएंगे, कर्म नहीं इसका मतलब भाववाच्य में बनाएंगे, तो यहाँ पर मया हो जाएगा, ठीक है, और भाववाच्य में आपको ध्यान रखना है प्रथमा एक वचन आत्मपदी की क्रिया लगानी है, तो जैसे पठ्यते लगता है उसी प्रकार से इसका क्या लग जाएगा, दर्श्यते, दर्श्यते लग जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों आज का अपना टॉपिक था वाच्य परिवर्तनम, अगर आपके थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना, आगे फिर आपको एक बार वापिस दोबारा सिंपल तरीके से और मैं आपको कोशिश करूंगा इस टॉपिक को बताने के लिए वाच्य परिवर्तन को, और बहुत सारे उदाहरण अपन अगले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि अगर इसमें हल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सभी को वीडियो शेयर करना, अपन डेली एक टॉपिक इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाएंगे संस्कृत के, तो ये तीन नंबर का टॉपिक है, तीन वाक्य आएंगे, एक कर्तृवाच्य का, एक कर्मवाच्य का और एक भाववाच्य का, तीनों को चेंज करना ऑप्शन में आएंगे, उसी प्रकार से अपन क्वेश्चनों को भी हल करेंगे, तो धन्यवाद दोस्तों।